इस बेसिस पे लगाया गया कि हम उम्मीद कर रहे थे कि सूबे सिंध के अंदर हालात बेहतर होंगे, हम उम्मीद कर रहे थे कि सूबे सिंध के अंदर अगवा के केसेस कम होंगे, हम उम्मीद कर रहे थे कि सूबे सिंध के अंदर हमारे जो आईजी हैं वो जो चोरियों के केसेस हैं, डकैतियों के केसेस हैं, लोगों के मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें छीन रही हैं, दिन दहाड़े सुबह भर के अंदर जो है डकैतियाँ हो रही हैं लोगों के घरों के अंदर, खवातीन अपने घर से निकलती हैं वापस आती हैं दरवाजे पे मोटरसाइकिल पे लोग खड़े होते हैं, कत्लो गारत के बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन हमने ये देखा कि आईजी साहब जो हैं इन तमाम मामलों को देखने के बजाय उनका ज़्यादा जोर इस बात के ऊपर है कि अपनी जो सियासी जमात है उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी गुलामी किस तरह करनी है, उनके काम किस तरह करने हैं, उनके उनको सियासी मफादात में उनका उनका अपना क्या रोल होना चाहिए उसके अंदर इन्होंने ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया है। लिहाजा हम समझते हैं कि मौजूदा आईजी जो है उन्होंने इस वक्त सिंध हुकूमत के साथ मिलकर सूबे सिंध को पुलिस स्टेट के अंदर तब्दील कर दिया है। जमहूरियत के नारे लगाने वाले मुकम्मल तौर पर सूबे सिंध के अंदर नाकाम हो गए हैं। हमारे खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, हमारे वर्कर्स को जो अरेस्ट किया जा रहा है वो सिर्फ एक बुनियाद के ऊपर अरेस्ट किया जा रहा है, वो इस बुनियाद पे किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं वो सिंध असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नालायकियों को हाईलाइट कर रहे हैं, इनकी दो नंबरियों को हाईलाइट कर रहे हैं, इनकी करप्शन को हाईलाइट कर रहे हैं। हम सूबे सिंध के अंदर ये बता रहे हैं, हम सूबे सिंध के अंदर ये बता रहे हैं कि अगर गंदम की शॉर्टेज हुई, अगर गंदम महंगा हुआ तो उसके ऊपर सूबे सिंध की हुकूमत जो इन्वॉल्व थी, लाखों टन गंदम जो है वो सूबे सिंध के अंदर सड़ता रहा, ख़राब हो गया और रिलीज़ अप किया गया। पूरे प्लानिंग के तहत जो है वफाकी हुकूमत के खिलाफ ये सारी इनकी पॉलिसी चल रही है। इनका मकसद सिर्फ एक यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है, जो हमारी कामयाबियाँ हैं पूरी दुनिया में, जिस तरीके से वज़ीर आज़म